तवांग झड़प के महज एक हफ्ते के अंदर ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पूर्वोत्तर में दम भरेंगे। सूत्रों के मुताबिक युद्धाभ्यास में सुखोई, PSMKI और राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। वॉर एक्सरसाइज में पूर्वोत्तर के मेन एयरबेस और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को शामिल किया जाएगा। वॉर एक्सरसाइज में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के नजदीक अपनी सीमा पर ड्रोन्स उड़ाए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी LAC के नजदीक उड़ान भर अपनी तैयारी दिखाई थी। तवांग में पिछले हफ्ते के सैन्य गतिरोध के बाद भारत चीन के मध्य ताजा तनाव के बीच भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में गुरुवार यानी कि आज से 2 दिवसीय अभ्यास करेगी। इसमें इसके अग्रिम पंक्ति के करीब सभी युद्धक विमान और इस क्षेत्र में तैनात अन्य संसाधन शामिल किए जाएंगे। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, 2 दिवसीय युद्ध अभ्यास आज और कल किया जाएगा। बता दें सुखोई और राफेल आधुनिक विमान ये शामिल हैं। 9 दिसंबर की घटना के बाद यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। तवांग विवाद को लेकर उसके बाद ये युद्ध अभ्यास नजर आएगा। राफेल और सुखोई जब गरजेंगे तो हर कोई देखेगा भारत की ताकत। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं।